हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर कहा है कि कोरोना का प्रभाव अनुमान से ज्यादा बढ़ रहा है, जैसे बाढ़ की जगह सुनामी आ गई हो। उन्होंने कहा है कि फरवरी आते हुए लग रहा था जैसे चीजें काबू में आ जाएंगी, लेकिन पिछले 24 घंटे का आंकड़ा लगभग 12,000 है, जो कि पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक एक मृत्यु का उन्हें दुख है, लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं काबू में नहीं होती। सोचा नहीं था कि इतने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन गैसियस ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पानीपत और हिसार में गैसियस ऑक्सीजन उपलब्ध है, जिसके चलते वहां एक हॉस्पिटल और एक स्कूल मिलाकर करीब 650 बेड चालू कर रहे हैं। फरीदाबाद में बंद हो चुके मेडिकल कॉलेज का नवीनीकरण करके 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है, ये बात भी सीएम ने कही है। इसी तरह प्रदेश में बंदोबस्त किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संकट की इस घड़ी में विरोधियों से भी सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सब जगह धारा 144 लागू है, केवल शादी या फ्यूनरल में 30 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। ऐसे एरिया जहां 10% से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, उन्हें मैक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। आयुष मंत्रालय से इम्यूनिटी बूस्टर दवाएं बांटने को भी कहा गया है। कोरोना का जो प्रभाव है वो बढ़ रहा है, और केवल बढ़ रहा है इसकी जानकारी पूर्व अनुमानों से तो की जा सकती थी, लेकिन जितना अनुमान था उससे बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर वर्षा के दिनों में बाढ़ आए इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ की बजाय सुनामी आ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। पानीपत मेरा जाना हुआ, वहां पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, तो 500 बेड का हॉस्पिटल उसकी तैयारी के लिए वहां गया था। इसी प्रकार से हिसार, वहां भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो वहां एक विद्यालय और एक उसी का प्रांगण, 3 एकड़ का प्रांगण है उसमें भी, तो दोनों मिलाकर के लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहां करनी शुरू कर दी है। सीएम मनोहर लाल ने अपने विवादित बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। दरअसल सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि शोर मचाने से कोई वापस नहीं आएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि मृतकों के आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीएम ने कहा था कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब जिसकी डेथ हो गई है वो वापस हमारे शोर में जाने से जीवित होता नहीं है। हम हर संभव प्रयत्न करेंगे कि सब लोगों को बचाया जाए। अब डेथ्स कम है या ज्यादा है, इस विवाद में पड़ने का कोई अर्थ नहीं। अभी साधारण सी बात को लेकर के और जिस प्रकार का एक बाउंडर खड़ा किया गया, हमारे कुछ ट्वीट मीडिया मित्र होते हैं तो उन्होंने उस प्रकार से चीजों को आगे बढ़ाया, कई चैनल पर भी एक दो जगह चल गया। मेरा निवेदन यही है कि हमारी संवेदनशीलता उसको ध्यान करें कि हम क्या चाहते हैं। हमारे प्रयत्नों में कहीं भी कोई कमी आपको नहीं दिखेगी। हम अपने प्रयत्नों को इस ढंग से कर रहे हैं कि जैसा मेरा अपना परिवार है, और परिवार के एक व्यक्ति की भी अगर जान जाती है तो उसका सदमा, उसका दुख ये हमको भी उतना ही है, कम नहीं होता है।